हरियाणा में नई सरकार के गठन के बाद विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया, जिसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाई गई। बीजेपी ने हरविंद्र कल्याण को स्पीकर जबकि कृष्ण मिड्ढा को डिप्टी स्पीकर बनाया है। वहीं कांग्रेस में नेता विपक्ष को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन इसी बीच INLD ने अपने विधायक दल का नेता चुन लिया है। बता दें, INLO ने बीजेपी से अपना रिश्ता तोड़कर आने वाले आदित्य देवीलाल को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इतना ही नहीं, उन्होंने अर्जुन चौटाला को चीफ व्हिप नियुक्त किया है। वहीं राजनीतिक गलियारों में तो चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि अब INLD की राजनीतिक पटल पर वापसी की जिम्मेदारी आदित्य और अर्जुन पर आ गई है। इन विधानसभा चुनाव में INLO अपना जलवा दिखाने में नाकामयाब रही है। INLD हरियाणा की 90 सीटों में से केवल 2 सीटों पर ही विजय रही। इन सीटों में से एक है रानिया, जहां अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला ने कांग्रेस के उम्मीदवार को 4,191 वोटों से हराया। वहीं डब्वाली से INLD के उम्मीदवार आदित्य देवीलाल ने कांग्रेस के अमित सिन्हा को मात्र 610 वोटों से हराया था। ऐसे में क्या आदित्य और अर्जुन मिलकर पार्टी को दोबारा खड़ा कर पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि लोकसभा और विधानसभा में पार्टी की हार से उनके अस्तित्व के साथ साथ चुनाव चिन्ह पर भी खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन करने की वजह से पार्टी का सिंबल उनसे छिन सकता है। क्योंकि राजनीतिक एक्सपर्ट्स बताते हैं कि किसी भी पार्टी का सिंबल बने रहने के लिए 2 चुनाव में कम से कम 3 सीट और 3% वोट हासिल करना जरूरी होता है, लेकिन INLD पिछले दोनों विधानसभा चुनाव में ये नहीं कर पाई है, जिसके बाद से INLO के लिए बड़ा सियासी संकट खड़ा हो गया है। बता दें, प्रदेश में 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले INLD का प्रदेश में सिक्का चलता था, लेकिन 2019 में जब से INLO में फूट पड़ी है, तब से ही पार्टी प्रदेश में अपनी वापसी नहीं कर पाई है। ऐसे में अब क्या INLD आदित्य देवीलाल और अर्जुन चौटाला के सहारे प्रदेश में वापसी कर पाएगी या नहीं, ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है।